ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एक बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप का फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। गाइस, ऐप का नेम है फोटो रूम एंड इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग कैसे फोटो को एडिटिंग कर पाओगे, हर एक चीज में आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो गाइस वीडियो को फुल्ली देखो एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस ऐप का, अगर आप लोगों को पूरा वर्जन फ्री में चाहिए। ठीक है, सो चले आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को एडिटिंग करने के लिए अपना जो मोबाइल का डाटा है उसको ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो बैकग्राउंड कार्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो गाइस डाटा कनेक्शन ऑन करके रखना और उसके बाद फोटो को एडिटिंग करना। गाइस मैं ऐप को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर मेरा ओपन हो रहा है एप्लीकेशन। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ओपन हो चुका है। नीचे आप लोग देख सकते हो स्टार्ट फॉर फोटोज, इसके अंदर प्रेस करने से आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप लोग किसी भी एक फ़ोटो को ले लो। ठीक है, सो गाइस मैं एक फ़ोटो को ले लेता हूँ यहाँ से। गाइस मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग लेगा, अगर आपका नेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो बहुत ही जल्दी आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव कर देगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं बैकग्राउंड का जो कलर है उसे भी चेंज करना सिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही ईजी है यार। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ मैं। गाइस मेरा जो बैकग्राउंड है कट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग पीएनजी में सेव कर सकते हो किसी भी फोटो को। ठीक है, बहुत ही इजीली आपका जो पीएनजी है सेव हो जाएगा एंड फुल एचडी में होगा। ठीक है, अगर आप लोग बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, ये जो पीएनजी देख सकते हो आप लोग व्हाइट कलर का, इसके अंदर आप लोगों को प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद नीचे बैकग्राउंड नाम का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके अंदर प्रेस करना है एंड यहाँ पर आप लोग किसी भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा, इसके लिए गाइस आप लोगों को चेंज बैकग्राउंड पर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस किसी भी बैकग्राउंड को आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो गाइस मैं लगा लेता हूँ एक बैकग्राउंड को। गाइस मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये जो बैकग्राउंड है इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, और लगाने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो कितने इजी तरीके से बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है एंड कितने मस्त तरीके से काट हुआ है। ठीक है, सो गाइस यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैग आ जाऊँगा और गाइस यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एडजस्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर मैं बैग आ जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग पीएनजी में कैसे सेव कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है एंड गाइस ऊपर आप लोग देख सकते हो सेव का बटन, इसके अंदर प्रेस करने से आपका जो फोटो है पीएनजी में सेव हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर फिल्टर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाता है। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वन क्लिक में जो यहाँ पर फोटो है ब्लैक टोन में एडिटिंग हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ऐसा टोन देने के लिए गाइस बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को और इस ऐप के अंदर आप लोग वन क्लिक में कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ब्लर देने का प्रोसेस। ठीक है, कितना मस्त लग रहा है ना। सो गाइस ये जो ब्लर है कितना मस्त तरीके से अप्लाई हो चुका है फोटो के अंदर, ऐसा ब्लर आप लोग बहुत ही इजीली दे पाओगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो ब्लर है कितना मस्त लग रहा है, ये भी ब्लर गाइस इसी एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है। ठीक है, सो गाइस ये सारे चीज़ आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही इजीली कर पाओगे, अगर आपका नेट बहुत ज़्यादा फास्ट है तो नीचे और भी बहुत सारे इफेक्ट आ जाएगा जिसे यूज़ करके आप लोग बहुत ही इजीली फोटो को यहाँ पर वन क्लिक में डिज़ाइन कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। गाइस बेसिकली इस ऐप के अंदर जो बैकग्राउंड कार्ड होता है वो बहुत ही मस्त होता है, इसलिए गाइस इस ऐप को बैकग्राउंड कार्ड करने के लिए ज़रूर यूज़ करना एंड आपका जो एडिटिंग है बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है गाइस, इसका प्रो वर्जन फ्री में नहीं मिलता है, अगर आप लोगों को फ्री में चाहिए तो नीचे कमेंट करो एंड लाइक करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड शेयर करो यार, वायरल करो। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है इस ऐप के बारे में। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करो यार, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।